क्लास सिक्स एक्सरसाइज 2.1 सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दे करके समझे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। हम पिछले उसमें बता भी चुके हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अनुवर्ती में हम एक जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने में हम एक दी हुई संख्या में से एक घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो दी हुई संख्या है इसमें से एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए हम पहला बता रहे हैं ये निकाल 10,000 अभी 10,000 तो लिखेंगे पहले का आंसर कि पूर्ववर्ती संख्या तो देखिए 10,000 दिया हुआ है इसमें से हम एक घटा देंगे 10,000 और एक घटा देंगे लिख करके। तो देखिए यहां से दाएं लेंगे यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में से एक घटा देंगे तो यहां बचेगा 9 और यहां से यहां पर 10 गया है, इसके बीच में जितने शून्य यहां पर 9 बच रहेगा, यहां भी 9 बचेगा, यहां पर भी 9 बचेगा और यहां पर भी 9 बचेगा यहां शून्य, तो 9,999 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 9,999। अब सेकेंड वाला हम बता रहे हैं ये वाला हम बता रहे हैं थर्ड वाला बता रहे हैं फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड 90 की पूर्ववर्ती संख्या। तो इसमें से घटा देंगे ये 90 लिखा है 89 रह जाएगा, यहां लिखेंगे 48,790 ये 1 माइनस कर देंगे, यहां से 10 ले देंगे यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 9, इसने 1 इसको दे दिया तो इसके पास बचा 1 तो यहां लगेगा 1 और बाकी वही 7 8 4 तो 48,789। इसी प्रकार से ये सेकेंड वाला है लिखा है 87,596 की पूर्ववर्ती संख्या, ये 6 है इसमें 7 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 5, तो लिखेंगे 87,596 की पूर्ववर्ती संख्या 87,595। थर्ड वाला हमने करके बता दिया है। फोर वाला देखो यहाँ पे 1 है इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा, ये 57,901 है तो रह जाएगा 57,901 की पूर्ववर्ती संख्या 57,900। ये देखो इसमें 9 है ये निकाल 518,779
पूर्ववर्ती संख्या 9 की जगह 1 कम कर देंगे तो 8 रह जाएगा। 51,518,778। इसी प्रकार से इसी तरीके से इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सभी कथनों के सामने सत्य सत्य लिखिए। तो यहाँ पे दिया है पहला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहां पर बस इतना ध्यान रखना है जहां पर कुछ नहीं होगा, जहां पर शून्य शून्य एक पूर्ण संख्या है और शून्य के आगे जितनी भी संख्या है वो सभी प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो ये सत्य होगा। यहां लिख देंगे हम सत्य, ऐसे भर देंगे। उसके बाद में तेरा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा अंक है एक, तो यह भी है सत्य। यहां लिख देंगे सत्य। थर्ड वाला देखिए शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। बार बार बता रहे हैं शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यह हो जाएगा असत्य। फिर फोर वाला देखो लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, असत्य है। अच्छा ये छूट गया अभी। नहीं यही है, ये देख रहा सभी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, ये भी असत्य है। यहां लिख देंगे असत्य। उसके बाद में एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये भी सत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या बार बार आता है भाई, तो यहां लिखेंगे असत्य। शून्य सबसे छोटी, शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये असत्य। अगर आए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि यहां पर हमें तीसरा बता चुके, इसी प्रकार से हल होगा। याद कीजिए सबसे पहले चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो सबसे पहले 1 बना देंगे और 1 के आगे 0। अब ये 2 डिजिट का हो गया, अब ये 3 डिजिट का हो गया, अब ये 4
फोर डिजिट का हो गया। ये इतना हो गया, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, यहां पर लग गया है, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। अब कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम यहां लिखेंगे एक हजार की पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या करें कि ये इसमें से हमें घटा देंगे, अभी हमने करके बताया था ऊपर, ये 1000 दिया हुआ है, इसमें से ये घटा देंगे, तो यहां से 10 ले गए, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से बन गए 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां 0 बचेगा, तो लिखेंगे 999। बस ये संख्या है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, कह रहा है 999,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, 999,999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुवर्ती संख्या जब ज्ञात की जाती है तो दी हुई संख्या में हम एक जोड़ देते हैं, तो यहां लिखेंगे 999,999 की अनुवर्ती संख्या जो ये संख्या दी हुई है इसमें एक हम प्लस कर देंगे, इस प्रकार से 999,999 इसमें वन प्लस कर देंगे, 9 1 10 10 का 0 बचे 1, 9 1 10 फिर 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 बचे 1, इसमें मिला देंगे 9 1 10 ये संख्या होगी। यहां लिख देंगे ये संख्या है। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अनुवर्ती यहां पर अनुवर्ती पढ़ रहे हो, और अगर लिख दिया जाए उत्तरवर्ती तो अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों बात एक है, अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए दी संख्या में एक जोड़ते हैं, और अगर यहां पर कोई पूछ दे नहीं 5 5 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तुम सोचोगे सर ने अनुवर्ती बताया था, उत्तरवर्ती तो बताया नहीं, तो उत्तरवर्ती में भी एक जोड़ देंगे, यानी कि अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों बात एक है, दोनों इसी तरीके से ज्ञात किए जाएंगे।